दोस्तों ये बटन होल मशीन देख लीजिए, चल तो रही है मगर बटन होल नहीं बना रही है और ये वर्क पूरा नहीं कर रहा है, यानी मशीन जो बटन होल है ये चल नहीं रहा है दोस्तों। तो अगर इस मशीन को बनाना चाहते हैं, बटन होल मशीन को रिपेयर करना चाहते हैं, तो कैसे कर पाएंगे दोस्तों? इस वीडियो के माध्यम से अपने बटन होल मशीन को रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो नमस्कार, मैं हूं राम, फिर आप देख रहे हैं रवि कुमार 22 चैनल। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं पहले कि ये किस तरीके से चल रहा है और इसमें क्या चीज आपको सेटिंग करना है जिससे ये बटन होल मशीन आपका खराब हो गया है बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये जब मशीन को चलाते हैं यहां से तो देख लीजिए पूरा पार्ट चलता है। इधर से भी देख लीजिए, ये वाला पार्ट चलता है यहाँ पे, यहां से देखिएगा ये वाला जब पार्ट चलता है, ये मशीन जब हम चलाते हैं यहां से देख लीजिए तो ये भी चलता है और ये भी चलता है, देख सकते हैं ये भी चलता है। मगर क्या होता है, इधर से देखिए ये वाला पार्ट नहीं चलता, यानी ये आगे और पीछे नहीं करता है। तो इस समय आपको करना क्या होगा, इस समय आपको कुछ नहीं दोस्तों, इसको निकाल देना है कपड़े को और लेना है एक इसको ड्राइवर और यहां से इसको खोल करके अपने ये मशीन बटन होल मशीन को बाहर निकाल लेना है। तो यहां से बटन होल मशीन को बाहर निकालते हैं और फिर इसके बाद में दोस्तों आपको रिपेयर करके दिखाते हैं कि किस तरीके से ये रिपेयर किया जाएगा। तो देख लीजिए ये बटन होल मशीन जो है ये बाहर आ चुका है। अब ये दोस्तों चलता तो है मगर दोस्तों ये बटन होल मशीन जो है काज नहीं बना पाता है, यानी ये पूरा घूमता भी नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इसको इस तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद आपको करना क्या है, ये वाला जो पेच आपको दिखाई दे रहा है, इस पेच को एक इसको ड्राइवर की मदद से आपको खोल देना है और खोलने के बाद दोस्तों जिस तरीके से आप इस पार्ट को खोलते हैं उसी तरीके से सेम रखिएगा, भूलिएगा नहीं, नहीं तो ये बटन होल मशीन बनेगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि इसकी गारंटी वारंटी भी नहीं होती है। आप कहीं रिपेयर भी करवाने जाएंगे तो बोलेंगे भाई ये बटन होल मशीन नहीं बन पाएगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहां से इसको निकाल लीजिए प्लेट को इसको, और निकालने के बाद सेम इस तरीके से इसको उठाइएगा और ऐसे इसको निकाल लीजिए। अब ये देख लीजिए अलग हो गया है और इसको सेम इसी तरीके से साइड में आपको रख देना है, और रखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे इस साइड में ये वाला जो पत्ती है ये वाला ये निकल जाएगा इस तरीके से, देख लीजिए निकल गया, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। और निकालते समय एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे लगा होता है एक छोटा सा गोली, यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे ये निकल गया है, कभी कभी इस तरीके से पलट के ये भी निकाल लीजिएगा। और ये लगा कहाँ होता है, यहाँ पे लगा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे लगा दीजिएगा, ये साइड में रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, ये वाला जो पेच ये वाला जो है ये निकलेगा नहीं क्योंकि ये पेच से टाइट होता है। अब आपको अगर इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले ये छोटा सा पेच यहाँ पे दिखाई देगा, इस पेच को आपको क्या करना है, थोड़ा सा ढीला कर लेना है, ये छोटे से पतले से इसको ड्राइवर की मदद से यहां से ढीला कर लेना है। और ढीला करने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम यही हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ है एक छोटा सा पत्ती, जो आपको मैं दिखा रहा हूं पत्ती को निकाल करके दिखा रहा हूं कि जिससे आपको समझ में आ जाए। देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो पत्ती लगा हुआ इस तरीके का होता है, देख सकते हैं। अब ये वाला पत्ती दोस्तों यहां से क्या दिक्कत होता है कि जिससे ये आपका काज नहीं बनाता है, यहाँ पे क्या होता है, ये पत्ती जब ये ऊपर आ जाता है तो ये बटन होल मशीन चलता तो है देख लीजिए मगर ये घूमने नहीं देता है। आपको करना क्या है, इसको पत्ती को ऐसे लगा करके और इसको यहां पे इस तरीके से लगाइए और इस तरीके से यहां पे ऐसे दबा दीजिए। एक मिनट, बैठा नहीं अभी, बैठा के दिखाते हैं। यहां इस तरीके से देख लीजिए, यहां बैठ गया है, आप देख लीजिए गौर से देख लीजिए, ये पत्ती यहां पे भी बैठ गया और इस साइड में ये पत्ती इस साइड में बैठ गया, देख लीजिए इस साइड में भी बैठ गया है। अब आपको यहां पे इसको ऐसे सेट कर लेना है अच्छी तरीके से। अब आपको करना क्या है, यहां पे जो पेच लगा हुआ है दोस्तों इसको कर देना है फुल टाइट इस तरीके से, देख लीजिए इसको फुल टाइट करेंगे तो ये जो है ये पत्ती ऊपर नीचे नहीं होने देगा, कभी कभी ढीला होता है तो इसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो जाता है, इसकी वजह से काज नहीं बना पाता है। अब आपको करना क्या है, ये वाला जो निकाले थे इसको इस तरीके से ऐसे लेना है और यहां पे इस तरीके से रख के ऐसे पलट के लगा देना है यहाँ पे। अब इस तरीके से आप लगा दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए सेट हो गया है। और इसके बाद में अब क्या करना है, इसको जो है इस पार्ट को दिखाई दे रहा है ना आपको, इस पार्ट को निकालिए और यहां पे इस तरीके से ऐसे लगाइएगा, यहां पे इस तरीके से लगा दीजिए ऐसे। और लगाने के बाद अब इसको ऐसे रखना है, अब यहां पे जब रखेंगे तो आपको ये जो चीज है ये सेट करना पड़ेगा, देखिएगा यहां पे ये घूम जाता है क्योंकि ये जब निकालते हैं तो इधर उधर घूम जाता है। अब इसकी सेटिंग और इसकी सेटिंग इस तरीके से करना है और यहां पे इसको इस तरीके से सेट कर देना है, देख लीजिए सेट हो गया। अब यहां पे जब ये सेट हो जाएगा फिर क्या करना है, ये वाला जो पत्ती है इसको यहां पे रख लेना है ऐसे इस तरीके से, और रखने के बाद जो पेज को आप खोले थे इसको टाइट करना है। अब इसको टाइट करने के बाद क्या करना होगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से
इस पेज को इस तरीके से ऐसे टाइट कर देना है। दोस्तों वीडियो नहीं कट कर रहे हैं इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा तो हो जाता है, मगर अच्छी तरीके से आपका सेटिंग कर लीजिएगा इसीलिए वीडियो को कट नहीं करते हैं, जिससे अच्छी तरीके से आपका सेट हो जाएगा। अब ये फुल टाइट कर देना है दोस्तों, फुल टाइट कर देना है। और फुल टाइट करने के बाद आप इस तरीके से आप पलट लीजिए इस मशीन को। आप देखिएगा जब इसको इस तरीके से चलाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो पेज है देख लीजिए ये चलना स्टार्ट हो गया। देख लीजिए यहां से देख लीजिए ये चलना स्टार्ट हो गया है, देख लीजिए चलना स्टार्ट हो गया। इसके पहले नहीं चल रहा था ये चीज, अब ये चलना स्टार्ट हो गया। अब इसको मशीन में जब लगाएंगे तो आपका काज तुरंत बना के देगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब काज बनाते हैं तो ये चीज चलना स्टार्ट हो जाता है, तो जब ये चलेगा तो ये आगे पीछे करेगा और नहीं चलता तो नहीं करता। तो इसी तरीके से देख लीजिए अपने ही बटन होल मशीन को रिपेयर कर लीजिएगा और दोस्तों लगाइएगा मशीन में और फिर इसके बाद चला के देखिएगा, बहुत ही गजब का काज बनेगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। सिलाई मशीन रिपेयरिंग से रिलेटेड ढेर सारा वीडियो मैं आप सबके लिए लाता हूं। बटन होल मशीन आप भी लेना चाहते हैं, इस तरीके का बटन होल मशीन खरीदना चाहते हैं तो आपको दोस्तों ऑनलाइन मिल जाएगा, हमारे पास से मिल जाएगा। आपको भी अगर बटन होल मशीन लेना है, ऑर्डर लगाना है तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, जाइए वहां पर और कॉल करके आप ऑर्डर लगा सकते हैं दोस्तों।